रिसेंटली जो कुछ हुआ है उसमें अमेरिकन्स बड़े कंसर्न हैं, और मैं अमेरिकी थिंक टैंक्स को देख रहा था, स्कॉलर्स को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये भाई क्या हो गया कि अमेरिका, इंडिया से तो हम दोस्ती कर रहे हैं, इंडिया से तो हमने यारी लगानी थी, ये हमारे मुल्क में हमारे बंदों को आके जो मार रहे हैं, इसकी क्या लॉजिक है? जिस तरीके से टोरंटो देखे, कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफकोर्स देखिए, जब हुसन आता है तो नजाकत आ जाती, उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस सिम्पटन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो लेटेस्ट घटना हुई है कि अमेरिका ने उसकी इंटेलिजेंट एजेंसी की तरफ से भारत पर आरोप लगाया गया कि भारत ने अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकी पन्नों को मरवाने की कोशिश की। इसके लिए एक भारतीय ने किसी अमेरिकी ऑफिशियल के कॉन्टेक्ट किया और उसको $1,00,000 दी पन्नों को मारने के लिए। साथ ही साथ अमेरिकी एजेंसी अपनी ही अदालत में गई और इसके लिए उस कथित षड्यंत्र का प्रूफ दिया अपनी अदालत को। हालांकि अमेरिका की पॉलिटिकल लीडर या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन से इंडिया के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन अब भारत ने इस मामले के ऊपर अब जवाब दिया है। और इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तरफ से कहा गया है कि भारत की पॉलिसी ऐसी नहीं है, किसी ने कुछ किया है तो उसका इंडिविजुअल मामला है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर बात कहाँ तक जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों भारत ने साफ साफ दुनिया को मैसेज दिया है, बताया है कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां भी आतंकी बैठा होगा, जो भारत के खिलाफ काम करता होगा, उसको भारत नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, देखते हैं ये पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन वीडियो। पहली खबर तो ये है कि इस वक्त बैक चैनल जो कन्वर्सेशंस है, टॉक्स हैं बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन NSA's नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पे जो हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हुई हैं। इस पे जारी बात है, एक रिसेंटली जो कुछ हुआ है उसमें अमेरिकन बड़े कंसर्न हैं, और मैं अमरीकी थिंक टैंक्स को देख रहा था, स्कॉलर्स को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये भाई क्या हो गया कि अमरीका, इंडिया से तो हम दोस्ती कर रहे हैं, इंडिया से तो हमने यारी लगानी थी, ये हमारे मुल्क में हमारे बंदों को आके जो मार रहे हैं, इसकी क्या लॉजिक है? सो जो थिंक टैंक कम्युनिटी है अमरीका में, जो वो इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि भाईजान ये इंडिया ओवर स्टेप कर रहा है। जो अमेरिका की जो डीप स्टेट है, व्हाइट हाउस है, जैक सुलिवन है, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, वो खामोश होकर बैठे हुए हैं, वो कोई बुल्लफ्ज नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये जो होना था वो हुआ है, हमने पैगाम देना है, दे दिया। आपको पता है आज इंडिया और जो अमेरिका है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए की जा रही है, इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और US जो है ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इस वक्त, जबकि के इंडिया इन्वॉल्व है इस मामले में कि उसने अमेरिका के अंदर अमेरिकी सिटीजन को मारने में। अच्छा, आज भी आप देखें कि आज भी इंडिया का जो फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने कहा है कि कनाडा जो है उसने कंसिस्टेंटली एंटी इंडिया एलिमेंट्स को स्पेस दी है। इंडिया आज भी कनाडा पे बड़ा हाई बात कर रहा है, जब अमेरिका की बात आती है थोड़ा स्लो हो जाता है। जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया अमेरिका के हवाले से ये कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ये कह रही है कि जो इंडिविजुअल्स जो कि इस हवाले से लिंक हुए हैं सारे, ये बड़ी कंसर्निंग है, एंड दैट इज कंट्रेरी टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। अब जारी बात है कि इंडिया का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर आगे ये थोड़ी कहेगा TV के ऊपर या मीडिया को कि जी हाँ हम इन्वॉल्व होते हैं, वो ये बातें तो वो कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैक चैनल टॉक्स चल पड़ी हैं, आज इंडिया US की नेवल एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं, इट मींस कि अमेरिकन्स को इस चीज़ का पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमने किस हद तक नीचे ताल्लुकात को ख़राब करना और किस हद तक नहीं करना। अमेरिका जो है ना एग्जीक्यूटिव ब्रांच से कोई बोला है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बोला है, कोई शख्स नहीं बोला, खामोशी, सिर्फ मीडिया का इस्तेमाल किया है, इंटेलिजेंस वालों को कहा है कि तुम जाके खबर दे दो जुडिशरी को, हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है, और दैट्स इट। सो पॉलिटिकली कुछ नहीं बोलना उन्होंने, ये है वो ताल्लुकात की नोयत, ये है वो ताल्लुकात, दैट इज वाई। और इंडिया को अपनी लिमिटेशंस का पता है कि हम अमेरिका को ये सारा कुछ नहीं कह सकते, वो विद प्रूफ्स हमारे सामने आई हैं। इसको हाईएस्ट लेवल पे देखा जा रहा है, दोनों मुल्कों के अजीत दोवल और जैक सुलिवन, और मेरा ख्याल ये है कि अजीत दोवल जो है
वो कोशिश करेंगे कि हम बायलैटरल टाइज जो है उनको शुरू करें। ये जो चार्जेस हैं मर्डर फॉर हायर, अगर तो इंडिया ने ये ऑपरेशन का कहा है तो ये जारी बात है, अजीत डोवल साहब ने कहा है। अब जैक सुलिवन वो बंदा है जो ये सारा कुछ करवा रहा है थ्रू मीडिया एंड थ्रू द कोर्ट्स एंड थ्रू द इंटेलिजेंस, और खामोश होकर बैठा और वेट कर रहा है कि क्या इंडिया करेगा। अननोन गनमैन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया। वैसे ये JEM जैश मोहम्मद का यूनुस खान था जिसको गोली मारी बाजौर में। अच्छा, ये फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था। खैर, ये जो लोग मारे जा रहे हैं जैश मोहम्मद वगैरह, ये क्वेश्चन पहले सुमित जी से लूंगा फिर आरजू जी से लूंगा। रोहित भाई, इनका एक डॉक्यूमेंट आया अभी। पहली बात तो ये कि जिसको मारा है वो भी खान था, ये खान के पीछे पड़े हुए हैं सारे, क्योंकि इनको लगता है खान को पीछे पड़ेंगे तो कोई ना कोई खान निकल जाएगी, तो इनको तो पैसों से मतलब है, तो इसलिए सारे जो इमरान खान हो, तो अभी क्या हो गया कि जो एक डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान का रिलीज हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस के पास पड़ा है, इनकी इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट हमारी इंटेलिजेंस के पास आ गया है, जहां पे उन्होंने बोला कि भाई ये हिंदुस्तान ये काम कर रहा है हमारे यहाँ पर सीईओ को निपटाने का, हमें अपने सारे सीईओ को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कि पहले भारत अपने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाता था, अब पाकिस्तान में उन्होंने अपने टेररिस्ट के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करी है, बिकॉज कि भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे कंट्री में हमें दिख रहे हैं। सो दे आर ब्लेमिंग ऑलरेडी, ऑफिशियली अभी नहीं आया है, अनऑफिशियली ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बाहर निकल चुका है, और ये कहीं ना कहीं कभी कभी भी ये चीज बाहर आ सकती है कि जो सिख सो कॉल्ड लीडर्स पाकिस्तान में है और जो बाकी के लोग हैं ये सारे निपटाने में भारत लगा हुआ है और पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देता जा रहा है। सो ये प्लीज डोंट से कि पाकिस्तान अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, आने वाला है। रॉ एजेंट आप हो, न्यूज मैं दे रहा हूं। मैंने भी तो आगे एजेंट रखे हुए ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेला एजेंट हूँ। अच्छा, ये एक सुदामा है बोल रहे हैं कि आरजू काजमी के डिबेट के बिना मैं सोता नहीं हूँ, बिग फैन मैम। आरजू जी, अपने डिबेट में ऐसी कौन सी लोरी सुनाती हैं आप?